Hello friends, welcome to my YouTube channel Exam Study. Exam Study YouTube channel में दोस्तों आपका स्वागत है. ये channel मैंने दोस्तों special exam के लिए बनाया है, जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद करेगा. चलिए दोस्तों start करते हैं. तो दोस्तों आज मैंने आपके सामने BA final year के most important question लेके आया हूँ, जो कि English question paper है, जो कि CDLU MDU और KU के यूनिवर्सिटी में अक्सर आते रहते हैं. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं. तो दोस्तों मैं आपके सामने जो कि आपका पैटर्न क्या होता है क्वेश्चन का, वो इसी तरह आता है. तो क्वेश्चन पहला जो पेसेज आएगा, क्वेश्चन दूसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जो कि 8-9 क्वेश्चन आते हैं और 2 या 3 नंबर के आते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसका तीसरे नंबर पर, जो 300 वर्ड में लिखना होता है. 2 या 4 क्वेश्चन आते हैं, 10-12 नंबर के आते हैं. चौथा क्वेश्चन होता है जो डिफाइन मार्क्स आते हैं, जो कि 10-12 नंबरों के होते हैं. पांचवा जो होता है क्वेश्चन आपका, जो वन वर्ड सबस्टिटेशंस होते हैं. क्वेश्चन नंबर छठा है जो दोस्तों, वो आपका पेसेज आता है उसके आंसर छांटने होते हैं. क्वेश्चन नंबर सातवां जो लेटर आएगा. आठवां क्वेश्चन पेसेज आएगा, उसकी प्रेसिक्स या टाइटल लिखना होता है दोस्तों. तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का ये प्ले है दोस्तों, जो कि BA फाइनल ईयर में होता है. अगर आपको यही प्ले है तो आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों. तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जो पैसेज है दोस्तों, रिफरेंस और एक्सप्लेन करना होता है. आपको पता है कि पहला जो क्वेश्चन होता है वो एक्सप्लेन करना होता है पैसेज का और रिफरेंस करना होता है. तो वो आपका जो ये प्ले है दोस्तों, इसमें कहीं से भी आ सकता है. क्वेश्चन पहला जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है या 2 या 3 नंबर के होते हैं दोस्तों, हु इज़ बसेनियो और साइलोक, हु इज़ लरेंजो और एंटोनियो, व्हाट इज वाज पोर्शिया फादर्स विल अबाउट हर मैरिज, हाउ डज एंटोनियो एक्सप्लेन हिज मेलनकोली. ये 4 क्वेश्चन है दोस्तों जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर पाँचवा है दोस्तों जो शॉर्ट आंसर है, जो 2 या 3 नंबर के आते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ साइलोक्स फर्स्ट रिएक्शन व्हेन एंटोनियो आस्क्स हिम फॉर ए लोन, Why did Porcius and Nerissa appear in the court under disguises? What is Shylock's reaction to Jessica's experiment? Who is the Prince of Ogden? तो दोस्तों ये 8 क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, जो कि 30 वर्डों में लिखने होते हैं, 25 या 30 वर्डों में लिखने होते हैं, जो कि 2 या 3 नंबर के आते हैं दोस्तों. ये 8 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको याद करना होता है. 2 या 3 नंबर, 2 या 3 लाइनों के. लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे. ज़्यादा दिक्कत नहीं है दोस्तों, 2 या 3 लाइनों के आप याद कर लीजिए, इसलिए आपके 2 या 3 नंबर को ही आते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए आपको ये क्वेश्चन याद करने हैं. तो दोस्तों ये शॉर्ट क्वेश्चन. अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताता हूँ जो कि 10 या 12 नंबर के आते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है. तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कमेंट ऑन द करेक्टर्स ऑफ एंटोनियो विद एक्सप्लेन फ्रॉम द टेक्स्ट, और सेकंड क्वेश्चन है कमेंट ऑन द ट्रायल सीन्स. जो पहला है दोस्तों एंटोनियो का करेक्टर बताना है और उसको एग्जांपल भी देना है अपने बुक के आधार पर. दूसरा क्वेश्चन है जो कि आपने जो ट्रायल सीन बताना है दोस्तों, इस पर कमेंट करना है आपको जो क्या होता है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है दोस्तों, कमेंट ऑन द मर्चेंट ऑफ वेनिस एज ए ट्रेजिक कॉमेडी है क्या, कमेंट जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है वो ट्रेजिक कॉमेडी है, वो बताना है दोस्तों आपको. क्वेश्चन नंबर चौथा है जो राइट ए ब्रीफ करेक्टर स्टेच ऑफ साइलोक, साइलोक का आपको करेक्टर स्टेच करना है दोस्तों, उसका करेक्टर बताना है आपको साइलोक का, फिर उसके टेक्स्ट बुक के आधार पर बताना है दोस्तों. ये ज़्यादा बड़े है, ये 300 वर्डों में लिखनी है दोस्तों. अब ग्रामर आ गई दोस्तों, राइट ए नोट, नोट लिखना है दोस्तों इस पर. ऑडियंस डायलॉग स्टाग्राफी, पांचवा पर आ जाता है दोस्तों स्ट्रेजडी कॉमेडी म्यूजिक डार्क कॉमेडी द ड्रामा ओल्ड कॉमेडी एपिक थिएटर, ये सब 8 है दोस्तों. इस पर आपको एक टॉपिक लिखना होता है, जैसे कि म्यूजिक, म्यूजिक क्या होता है दोस्तों, जैसे कि कॉमेडी, कॉमेडी क्या होता है, इसको आपको एक छोटा सा नोट लिखना होता है. ये मैंने 9 दिए हैं, जिसमें से 3-4 आते हैं दोस्तों 2 या 3 नंबर के आते हैं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप याद कर लीजिए. इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक प्रेसिक और लेटर
आते हैं दोस्तों। प्रेसिस क्या होता है, आपको एक प्रेसिस दिया होता है, उसकी आपकी प्रेसिस बनानी होती है, वो आप टीचर से किसी भी पूछ सकते हैं, वो आपको कहीं से भी आ सकता है दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपको टेक्स्ट बुक से आई, कहीं से भी आ सकता है। उसका टाइटल देना होता है दोस्तों कि लेटर 8 या 9 नंबर को आता है दोस्तों लेटर। उसके बाद वन वर्ड स्पेसिस जो कि 8-9 होती है, जो आपको कई शब्द दिया होता है उसको आपको एक वर्ड लिखना होता है दोस्तों। तो मेरे इस वीडियो को आपको कैसी लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, और मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।